इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के तेजली स्टेडियम के पास से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा होने से बचा, लोग बाल बाल बचे। जी हां, आपको बता दें कि तेजली स्टेडियम के पास जहां गैस एजेंसी है, पीर बाबा का स्थान है, वहां पर बीच सड़क पर पेड़ अपने आप टूटकर गिर गया। इस समय की तस्वीरें आपको पेड़ की दिखा रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी एक्टिवा अपनी बाइक के साइड से झुक कर निकाल रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां वाले हैं, जो टाटाज वाले हैं, उन्होंने अपना रास्ता वापस नाप लिया। जी हाँ, इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेजली स्टेडियम के पास से। गनीमत यह रही कि किसी के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कोई भी इस पेड़ के नीचे आ सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी। इस समय की तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेन रोड है, लोगों का अक्सर यहाँ से गुजरना रहता है, लेकिन शुक्र है भगवान का कि किसी के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस समय पेड़ गिरा, आने जाने वाले लोग थोड़ी सी दूरी पर थे, अगर कोई इसके नीचे आ जाता तो उसके साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। तो लगातार तो आप देख सकते हैं कि एक टाटा एज आई है, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही स्थानीय निवासी यहाँ रहने वाले, किस तरह से पेड़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत आ रही है, लोग यहाँ से गुजर भी नहीं पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी के द्वारा एक रस्सी बांधकर इस पेड़ को बीच रास्ते से हर सामने ही गिरा, सामने गिरा जाए एकदम। आप भी यहीं थे उस समय? ये शुक्र को बंदा नहीं चाहे, अगर बंदा आता बंदा मर जाता बिल्कुल। लेकिन आसपास के लोग कहीं ना कहीं रास्ता साफ कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सोच के लिए? हम तो यही कहते हैं ये रास्ता इसको मतलब आने का, अपने को देखो ये रास्ता साफ किया गया, रास्ता चल भी हो जाएगी। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज। इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के तेजली स्टेडियम के पास से दिखा रहे हैं। आपको बीच रास्ते पर एक पेड़ दिखा रहे हैं, अभी अभी हमारी नजरों के सामने से ये पेड़ ऊपर से धीरे धीरे नहीं कट कट कर आप देख सकते हैं किस तरह से अपने आप ही बीच सड़क पर गिर चुका है। इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के तेजली स्टेडियम के बिल्कुल बैक साइड जहाँ पर पीर है, बिल्कुल पीर वाली जगह से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीच सड़क पर किस तरह से पेड़ अपने आप टूट कर गिर चुका है। गनीमत यह रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, लोग उस समय यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन किसी के साथ भी किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। हो सकता था कि किसी के साथ हादसा भी हो जाता, लेकिन नहीं, भगवान का शुक्र रहा कि किसी भी तरह का किसी के साथ हादसा नहीं हुआ। लेकिन पेड़ नजरों के सामने से, जी हाँ, हम थोड़ा दूर ही थे, लेकिन हमने स्वयं देखा कि किस तरह से पेड़ धीरे धीरे अपने आप टूट कर बीच सड़क पर गिर जाता है। आप देख सकते हैं जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है यहाँ से निकलते हुए। तस्वीरें आप इस समय की देख सकते हैं कि किस तरह से बीच सड़क पर पेड़ बूढ़ा होने के कारण स्वयं टूट गया, लेकिन शुक्र रहा भगवान का कि किसी के साथ किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। इस समय की तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप ही इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं कि एक टाटा एज आई है, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही स्थानीय निवासी यहाँ रहने वाले, किस तरह से पेड़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत आ रही है, लोग यहाँ से गुजर भी नहीं पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी के द्वारा एक रस्सी बांधकर इस पेड़ को बीच रास्ते से हटाने का लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के तेजली स्टेडियम के बिल्कुल बैक साइड से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर एक सिलेंडरों की एजेंसी भी है, तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गैस एजेंसी वाले भी यहां पर आकर प्रयास करने में जुटे हुए हैं, लोग निकल रहे हैं, लेकिन कि गनीमत यह रही कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। हो सकता था कि कोई इस पेड़ के नीचे आ जाता, क्योंकि पेड़ अपने आप बूढ़ा होकर टूट कर बीच सड़क पर गिर जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि टाटा इसके द्वारा जो पेड़ है, पेड़ को रस्सी से बांध कर बीच सड़क से साइड में करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने जाने वाले लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। सर एक मिनट। नहीं, तो स्थानीय लोग भी हमारे साथ है, एक बार जान लेते हैं सर कब गिरा ये पेड़? अभी तो हमारी नजरों के सामने से ही गिरा, अभी 5-10 मिनट पहले गिरा है सर। अच्छा, तो लोगों को परेशानी भी हो रही है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको खींच कर गिर रहे हैं। यही के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, यही के रहने वाले हैं।
दस मिनट का रास्ता है मेरे घर का। तो क्या कहेंगे, शुक्र है भगवान का कोई नीचे नहीं आया। कोई नीचे नहीं आया, कोई बड़ा हादसा घटने से बच गए। तो क्या कर रहे हैं आप अभी? बस इसकी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा गाड़ी से इसको हटाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो आने जाने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों की सोच कितनी बढ़िया है। आने जाने वाले लोगों को जब इन्होंने परेशानी में देखा कि लोगों को यहाँ से गुजरने में परेशानी हो रही है, लोग झुक कर यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका घर भी यहाँ पर नहीं है, 10 मिनट की दूरी पर इनका घर है, लेकिन स्थानीय लोगों की किस तरह से सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आने जाने वाले जो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए बढ़िया प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बीच सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ अपने आप टूट कर बीच सड़क पर गिर चुका है, लेकिन लोग भी कहीं ना कहीं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि शुक्र है कि कोई इस पेड़ के नीचे नहीं आया, नहीं तो किसी के साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो आप देख सकते हैं कि टाटा इसके द्वारा लगातार लोगों के द्वारा रस्सी बांधकर इस पेड़ को साइड पर, जी हां, सड़क के साइड पर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को निकलने में परेशानी ना हो। तो तस्वीरें इस समय की लगातार आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तेजली स्टेडियम के बिल्कुल बैक साइड जहां पर गैस एजेंसी है, पीर बाबा का स्थान है, बिल्कुल वहीं से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना रास्ता बदलकर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं और भी स्थानीय निवासी जो यहां से गुजरने वाले हैं, जो अपनी अपनी गाड़ियों में आए हैं, गाड़ी से बाहर निकलकर रोड को साफ कर रहे हैं। जी हाँ, पेड़ को हटाकर साइड में करने का प्रयास इन लोगों का यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। पेड़ के गिरने से, जी हाँ, पेड़ के खुद टूटकर गिरने से आप देख सकते हैं दीवार भी यहाँ पर टूट चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ गिरने के कारण दीवार खुद ही टूट गई। सर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, कहाँ पर? यहाँ आसपास ही? आइए, साथ ही रहता हूँ। अच्छा, पेड़ हमारी नजरों के सामने ही गिरा? सामने गिरा जी एकदम। आप भी यहीं थे उस समय? आइए, शुक्र है को बंदा नहीं चाह, अगर बंदा था बंदा मर जाता। बिल्कुल, लेकिन आसपास के लोग कहीं ना कहीं रास्ता साफ कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सोच के लिए? हम तो यही कहते हैं ये रास्ता इसको मतलब आने के अपने को देखो, ये रास्ता साफ किया गया, रास्ता चल रही हो जी। अच्छा, एक ही दीवार भी टूट गई यहाँ पे? ये दीवार टूटी है जी, बहुत खतरनाक से, देखो कैसे टूटी है ये। बिल्कुल, पहले भी कभी ऐसा यहाँ पर हो चुका है या पहली बार ऐसे पेड़ गिरा है? ये हमने तो आई पहली दफा देखा है। पहली बार देखा? कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मेरे को तो यहाँ 20 साल हो गए। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं दीवार भी पूरी तरह से टूट चुकी है। तस्वीरें इस समय की आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये पीर बाबा का बिल्कुल पास में स्थान है और बिल्कुल पास में ही पेड़ के अपने आप टूट के गिरने के कारण आप देख सकते हैं दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है। स्थानीय निवासी यहां से गुजर रहे हैं। भैया भैया, तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया प्रयास किया सर ने, लोगों की मदद की है, क्योंकि लोग वापस जा रहे थे अपना रास्ता उन्होंने वापस नाप लिया था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। 10 मिनट की दूरी पे आपका घर है, लेकिन इतनी अच्छी सोच, लोग तो वापस जा रहे हैं, लेकिन आपने तो टाटा यूज किसकी? आप ही की थी क्या ये? मेरी है जी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? मैं वो सर्विस के लिए जा रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला हरियाणा यमुनानगर से हूँ और पीछे जन्म मेरा जम्मू का है जी। तो एरिया कहाँ का है? चिट्टा मंदिर की? चिट्टा मंदिर है। अच्छा, इतनी अच्छी सोच, वाह, बहुत बढ़िया, सल्यूट है सर को। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर ने बीच रास्ते में से पेड़ को हटाकर अपनी टाटा इसके साथ एक रस्सी बांध कर उन्होंने पेड़ को बिल्कुल साइड में कर दिया ताकि लोग परेशान हो रहे थे। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा सफर करके यहाँ से अपने घर की ओर जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की सोच को सल्यूट है जो आगे आकर समाज में एक इंसानियत की मिसाल कायम करते हैं। आप देख सकते हैं चिट्टा मंदिर के रहने वाले निवासी हैं, सुनील इनका नाम है, अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए यहाँ से जा रहे थे। जब इन्होंने देखा कि बीच सड़क पर इस तरह से अपने आप पेड़ टूट कर गिरा तो इन्होंने मदद की दूसरे लोगों की। तो ऐसे मददगार लोगों की समाज में अभी भी जरूरत है। एक तस्वीर आप लोगों के बीच में लेकर आया। अपील है इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।